तो हेलो दोस्तों, आज हमारे घर में बना है कढ़ी, और इसके बाद फुलौरा बना हुआ है सूखा वाला, क्योंकि दही नहीं था तो दही बड़ा नहीं बना है। और इसके बाद चावल, इसके बाद आलू और प्याज की भुजिया बनाए हैं हम, तो दे देते हैं खाने के लिए। देखिए, छोटा छोटा काट करके हम आलू और प्याज का भुजिया बनाया है, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो हम लोग खा पी लिए हैं अभी, तो अभी हम लोग क्या है, मजा मजा है, लेके आओ, कहाँ है, लेके आन बेटा। ठीक है, पर शादी करने शादी के लिए कुछ बातों का मिलना बहुत जरूरी है। और काऊ ना पी ही पीला पीला सोचता है मैं ज्यादा पी जाऊंगी, ज्यादा पी जाऊंगी। अब गर्मी का टाइम आ रहा है दोस्तों, अच्छा लगता है ये सब ना, अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक और थम्स अप, मजा अच्छा लगता है ये सब गर्मी में। तो फ्रेंड, हम लोग खाना पीना खा करके सब कुछ, और मैं हम लोग सो गए थे। इसके बाद हम एक घंटे के बाद उठे, तो हम दरवाजे से भी देखो यहाँ पर आ गए जल्दी से, क्योंकि बहुत दूर नहीं है हमारा चना, और उसमें सरसों लगा हुआ है तो उसी को हम काट ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बर्बाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा था, अभी तो दो चार ही बचा हुआ है, तो उसको ले आते हैं। नजदीक के से कोई दिखता नहीं है, नजदीक दिखो था, कोई नहीं है, देख लो आगे पीछे कोई नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए हम काट रहे हैं यहाँ पर तोरी, क्योंकि बहुत सारा उधर था, बहुत गद्दीन था, पता नहीं कौन उठा उठा के कबार कबार के काट करके ले जा रहा है। तो हम सोचे कि चलो चाकू से ही हम काट देते, क्योंकि ये भी बच नहीं पाएगा दोस्तों। हम लोग के पास सिर्फ चाकू है, आजू आजू तो है नहीं, हम लोग नहीं काटते हैं, बस यही सरसों काटने के लिए चाकू लेकर आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चना आ गया है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये सारे आ गए हैं, बहुत सारा चना। और मैं बता दूँ कि ये खेत नहीं है, एक हम लोगों का घर था मिट्टी का पहले का, तो वही फंस गया था, तो मट्टी वही बहुत ज़्यादा था, तो क्या था ना कि उसी पर हम लोग छीट थोड़ा सा चना और सरसों, तो वही आ गया है, तो हम लोग खेत में काटने नहीं गए हैं। और यहाँ पर देखिए मशीन में चारा कट रहे हैं, और थोड़ा सा शाम हो गया है, तो अपने गाय भैंसों का चारा दे रहे हैं खाने के लिए, पानी पिला रहे हैं, और यहाँ पर मशीन में चारा कट रहे हैं। और ये देखो सामने हरे हरा बरसेन कहा जाता है हम लोग के यहाँ, तो वही घास है, अच्छे से काटना, देखना चना मत कट जाए। अब मेरा बेटा चल रहा है कट रहा है ना, मैं काटूंगा आराम से बेटा जी, बोले कि ठीक है काट लो तुम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा बेटा भी सरसों काट रहा है और फर्स्ट टाइम हम लोग काट रहे हैं सरसों, क्योंकि इधर से देख रहे हो ना आप, ये पूरा था यहाँ पे सरसों, और पता नहीं कौन उठा उठा के ले जा रहा है कबार कबार के। हम देखे कि उधर दो चार था उधर रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि नहीं अच्छी बात नहीं है, हम जाते हैं और दो चार इतना भी बचा है सब काट ले आते हैं घर में। बेटा अब अच्छा से काटना, देखो चना मत कटे, चना भी देखो फ्रेंड्स अब रहेगा नहीं, सब कबार कर ले जाएंगे चना। हम लोग खाए थे साग वाग तो जितना था साग यहाँ से ले जाते थे हम, तो बनाए थे साग वाग, इधर सब ले गए हैं कबार कबार के। देखा अचानक कट गई ना, हम कहो तनि कि तुम मत काटा है, क्या हो गई हैं मत, डढ़िया पखाली मारो करा, देख देख के अनजाने में मत मर जला इसे, हाँ आराम आराम से, हाँ
आराम आराम से लोग हैं वो देखेंगे, जिसने भी देख लिया तो क्या बोलेंगे, ये हम लोग सरसों काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों को? अब ऐसे भी वेस्ट हो रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये सब तोड़ लिए हैं, सब जितने भी छोटा छोटा मटर था दोस्तों, क्या कहते हैं इसमें से देखो निकल गया था, इसका फल तोड़ लिए, देखो देख रहे हो ना टूटा हुआ है बहुत सारा, इतना मोटा था, इतना गजिन था कि मतलब यहाँ पे पैर नहीं रखा जाता था, फिर भी यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं। एक जगह नहीं क्या बढ़िया से रखा था, छिद्रा छिद्रा के रखा था। ओ दादा ऐसा ही किसान बनब, ऐसा ही कि धान काट के गहूँ काट के एने फेंक दो। और बताऊँ दोस्तों, ये सब करने में इसको बहुत ही बढ़िया लगता है, कुछ घास काटना कह दो, पानी भरने के लिए बोल दो, और मैगी बनाने के लिए बोल दो, तो ये पत्ते बटोरने के लिए कह दो, कुत्ते के बच्चे पिल्ले जो होते हैं उसको रखने में इसको अच्छा लगता है, तो ये सब इसको अच्छा लगता है। तो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ हैं। तो हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करिए तो आप लोग ज़रूर कहिए कि हम सब्सक्राइब कर दिए हैं, हम आप लोग के चैनल में जा कर के सब्सक्राइब करेंगे। अरे ये दाम इतना ज़ोर से तो नहीं कटता है, बहुत आराम से कट जाएगा, तुम चना मत काट देना, अभी चना ना 5-6 दिन में आकर के सारा कवारना होगा, क्योंकि ये भी बचेगा नहीं है ना, बहुत सारा चना था दोस्तों, बहुत सारा चना था, अभी पता नहीं क्या हो गया, अभी इसमें कुछ निकल नहीं रहा है, फिर भी लोग तोड़ के ले जा रहे हैं है ना, इतना छोटा छोटा सा देखो, जल्दी से धूप लग रहा है बेटा, इधर उधर फेंकेगा तो कैसे होगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने आपको एक बार चटनी दिखाए थे ना खाना में, तो वही चटनी हम आपको इसी में इस क्लिप को मैं जोड़ दे रही हूँ। देखिए टमाटर थोड़ा सा तेल गरम करके जीरा दे करके इसके बाद हम टमाटर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं, और उबाले उबाले कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है ये, थोड़ा सा मतलब गुड़ दे दिए हैं अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा, और चीनी दे दिए हैं, थोड़ा सा सादा नमक दे दिए हैं, और इसको अच्छे से हम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे दोस्तों। और इसके बाद हम थोड़ा सा किशमिश दे रहे हैं, अच्छा लगता है चटनियों में किशमिश दे दो, काजू दे दो, थोड़ा सा नारियल दे दो, तो वो चीज़ें हमारे पास काजू तो है बस निकाले नहीं, बस किशमिश ही दे दिए, तो ऐसे आप बना सकते हो। हम थोड़ा सा काला नमक भी दे देंगे इसमें, देखिए इसमें लाल मिर्च दे रहे हैं तीखा के लिए, एकदम चटपटा बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने लाल मिर्च अब बुका हुआ है मतलब पीसा हुआ है, वो चीज़ें हम डाल रहे हैं। पाउडर वाला था, इसके बाद हम काली मिर्च और जीरे का पाउडर दे रहे हैं, इसके बाद हम दे देते हैं मैगी मसाला। मैगी मसाला आप चटनी में डालोगे टमाटर चटनी में, स्वाद बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर्स भी बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया, तो आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही अच्छा। देखो धीरे 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 अपना मतलब ये पक रहा है और गल भी रहा है, बड़े बड़े पीसेस थे अभी गल के छोटा छोटा हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, खट्टा मीठा तीखा ये चीज़ें तीनों इसमें मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया लगता है। इसके बाद देखिए हम बना करके और ले आके थोड़ा सा ठंडा दिए हैं, इसको ठंडा कर लिए हैं, इसके बाद हम एक जार लेंगे, उसी जार में हम भर देंगे। देखिए आप इस तरह ऐसे बना करके आप फ्रिज में रख दोगे तो आपके चटनी 10-15 दिन चल जाएगा।
ये गारंटी है, ये 10-15 दिन तो चल ही जाएगा बिल्कुल। आप इस घर में समोसा बनाते हो, स्नैक बनाते हो बच्चों के लिए, पराठे बनाते हो, नमकीन वाली चीज़ें बनाते हो, तो आप उसके साथ सर्व कर सकते हो। ये देखो हम जार में रख दिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत बढ़िया लग रहा था। और हम ऐसे बनाते रहते हैं चटनी, उबालते उबालते नहीं, कई लोग उबाल करके छिलके उसके उतार करके और तब बनाते हैं, उसको मिक्सी में पीस देते हैं बिल्कुल। तो वो वैसे भी हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये सिंपल था, मैं जल्दी जल्दी में हम बनाए हैं इसको, तो इसलिए आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे भी बन सकता है हमारे। अभी हम लोग आ गए हैं, तोरी काट करके हम रखे थे वहाँ पर, तो एक एक मतलब एक जगह आराम से झट झो 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 के ना आराम से आ रहा है। मैं बोल रही हूँ कि लेकर के देखिए फ्रेंड्स, इतना निकला हुआ है, रिकॉर्ड कर रही हूँ, देखिए तोरी। हाँ तो इसमें एक केजी आधा के मतलब एक केजी तक निकल ही सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा है, मोटा मोटा दाने वाला। ओ कैसे खेती किया जाता है, कैसे किसान किया जाता है बेटा, मेरे तो मेरा देखिए मेरा दोनों आई चिक्स रेड रेड हो गए हैं इस तरीके से, और मेरा पसीना ऐसे आ रहा है, छूट रहा है मतलब, और ये देखो लाल लाल हो गए हैं, देखो धूप में, कभी धूप में जाते नहीं है ना। और ऊपर वाला जो सरसों है ना दोस्तों, वो हम नहीं काटे थे, किसी दूसरे से कटवाए थे, और ये वाला ना हमारे दरवाजे के पास में ही है, इसलिए हम लोग जल्दी से काट लिए, कोई देखा कोई नहीं देखा तो उतना हमको परवाह नहीं रहता है, कौन देखा नहीं देखा इतना परवाह नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो कहने वाले खतरे रहेंगे, कोई बात नहीं, लोग तो होते ही हैं कहने के लिए, ठीक है। और कहने का मतलब है कि मेरा चिक्स दोनों लाल हो गए हैं बिना ब्लश के, लोग ब्लश लगा के लाल करते हैं और हमारा बिना ब्लश के देखो गुलाबी गुलाबी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब तो मैं रोज़ धूप में जाऊंगी बिना मेकअप के, बिना ब्लश के इतने रेड रेड, इतने सुंदर सुंदर चिक्स हो जा रहे हैं, वाओ है ना बेटा जी। गजब मस्त है, सच में खेती करना बहुत अच्छा लगता है ना, इसलिए कहते हैं कि करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल अच्छा आता है। तो कहने का मतलब ये था ना दोस्तों कि बकबक मैं बहुत कर रही हूँ, कहने का मतलब आवार ले रहे थे उखाड़ उखाड़ के, और हम देखे बगल में देखे कि रखा हुआ था, तो मैं सोची कि ऐसे नहीं हो सकता है, हम जाएंगे और वहाँ से काट करके ले आएंगे, अपना है भाई, थोड़ा सा दर्द होता है तो मैं काट करके ले आई, बस इतनी सी बात थी दोस्तों।